आप आज ऐसे बोर क्यों बैठे हो? पेट दर्द है मेरा। पेट दर्द हो रहा है? कुछ लाओ आपके लिए बाहर से। नहीं बोलो ना कुछ लाने। क्या पापा आप भी ऐसे बोर बैठे हो? चलो सुपरमार्केट चलते हैं, मम्मा के लिए कुछ लेके आएंगे अच्छा अच्छा खाने के लिए। तेरे मम्मा को वही होना है ना बच्चे, देख क्या बोल रहे हो सुपरमार्केट जाने का। हाँ फिर जाएंगे है ना चिक्कू, तू भी चल। एक काम करो तुम जाके सुपरमार्केट में ही घर बना लो जाके। चलो चलो नहीं तो स्कूटी की चाबी दो, मैं ही जाके लेके आती हूँ। नहीं लेके जाना गाड़ी। चलो क्या लाने का लेके सुपरमार्केट से? आइसक्रीम वगैरह लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे। बाबा 4 डब्बे आइसक्रीम मैं लेके आया था। हाँ तो वो खत्म हो गए। 4 डब्बे खत्म हो गए? हाँ फिर मैं सिर्फ एक डब्बा खाया उसमें। चलो मम्मी के बहाने से है ना मैं अपने लिए भी थोड़े बहुत चॉकलेट ले लूंगी। चलो पापा चलो, आज तो मैं भी सुपर मार्केट से थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी। शॉपिंग मतलब चॉकलेट्स और आइसक्रीम और क्या बोलते हैं माजा वगैरह। आ गए हम लोग, ये देखो ये राकेश सुपरमार्केट। पापा चलो ना। चलो चलो चलो, स्कूटी से आई हूँ ना इसीलिए ऐसे बाल हो गए। वैसे भी मम्मी को कुल्फी अच्छी लगती है। और क्या लूँ? और क्या लूँ? किटकैट, हमेशा का मेरा किटकैट। ये रुको पापा मैं देखती हूँ और कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि बार बार सुपरमार्केट आना नहीं होता है यार। नहीं मुझे नहीं लगता कि और कुछ मुझे लेना चाहिए। चलो मैंने माजा ले लिया। हाँ ये लो पापा, हो गया। हाँ हो गया, चलो कर लो बिल लास्ट। अरे बस ना, हो गया हो गया ना लास्ट सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो पापा भी घर पे जाके ढेर सारी आइसक्रीम भी तो खानी है। तो अभी मैं ये सारा सामान बाहर ना टेबल पे अरेंज करूंगी, फिर मम्मी को बुलाऊंगी, देखते हैं मम्मी की रिएक्शन। जी बाप रे, चलो अभी हम ना ये सब अरेंज करते हैं। सुनिए भोलेनाथ जी। अरे 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 मैं उधर भजन करने जा रहा था ना, मुझे भजन करने तो जाने दो। सबसे पहले तो ये भजन मंडली तुम चालू रखो, मैं आया थोड़ी देर में। ये लो मम्मी मेरे हाथ से खाओ काजू कतली। चलो तो अभी हम ये सब फ्रिज में रख देते हैं। जिसमें सब कुछ भरा हुआ होता है, तुम
मैंने ना पापा से कहा था कि हमारी वाली ये जो मैट्रेस है ना ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो पापा ने ना एक नई वाली मैट्रेस मंगाई है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम काफी दिनों से ये वाली मैट्रेस यूज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं इस मैट्रेस के बारे में बता दूं। तो इसका फोम बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और इसका बैक सपोर्ट तो एकदम मस्त है और इसकी थिकनेस तो देखो ऑलमोस्ट 10 इंच की है, इसमें सोने के लिए कितना मजा आएगा। वाह, इसमें से तो एलोवेरा जेल की खुशबू आ रही है, तो इससे तो आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट एंड यूथफुल रहेगी। अगर आप बाय चांस इस पे कुछ गलती से गिरा देते हो तो इसके कवर्स में लगी है जिप, आप इसका कवर निकाल सकते हो और वॉशिंग मशीन में इजीली धो सकते हो, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। अगर मैं इस पे सो रही हूँ और मेरे दोनों छोटे भाई साइड में मस्ती कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप चेक करते हैं, तो ये यहाँ पे रख दिया है मैंने पानी वाला ग्लास और हम अब इस पे जंपिंग करेंगे। तो ये मैट्रेस को है ना आप दोनों साइड से यूज कर सकते हो, एक तो बहुत सॉफ्ट साइड है और दूसरी थोड़ी सी हार्ड साइड है। हार्ड साइड तो बड़ों के लिए होती है, मैं तो सॉफ्ट वाली यूज करूंगी। और ये मैट्रेस को है ना वैक्यूम पैक किया जाता है, तो ये इतनी बड़ी मैट्रेस इतने से बॉक्स में एकदम कम्फर्टेबल आ गई। कहां हम मैट्रेस की शॉप में जाते हैं वहां पे घंटों स्पेंड करते, वही फ्लो मैट्रेस हमने ऑनलाइन सिर्फ 4 क्लिक में ओनली 10 मिनट में ऑर्डर कर ली। तो ये फ्लो मैट्रेस फैक्ट्री से डायरेक्ट हमारे पास आई है, यानी कि फैक्ट्री से सीधा कंज्यूमर। बाकी के मैट्रेस में क्या होता है, वो फैक्ट्री से पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स के पास, फिर रिटेलर से हम वो खरीदते हैं। तो 2-3 टाइम्स महंगी हो जाती है, ऑलमोस्ट 30-40,000 रुपीस की एक किंग साइज मैट्रेस आती है। वही फ्लो मैट्रेस वो भी किंग साइज 13-15,000 रुपए में आ जाती है। ये साइज का और प्राइजेस का सारा चार्ट आपको फ्लो मैट्रेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये फ्लो मैट्रेस 10-ईयर वारंटी और 100 नाइट्स रिटर्न पॉलिसी के साथ आती है। और अगर आपको ये मैट्रेस पसंद नहीं आती है तो आप इसको 100 डेज में कभी भी रिटर्न कर सकते हो, आपको 100% रिफंड मिलेगा और आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा और इसके रिटर्न शिपमेंट के पैसे भी कंपनी खुद भरेगी। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, आप भी बाय करो और कम्फर्टेबल स्लीप एंजॉय करो। प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुम्हें रोज जरा सा, इसमें मेरे लिए कुछ खाने को नहीं दिख रहा, इसमें है ये दाल और इधर भी कुछ भी खाने के लिए नहीं है। चल इसकी ऐसी की तैसी बंद कर देता हूँ इसको, कुछ खाने को नहीं है मेरे पास यहाँ पे। चिंकू आप इधर मत आ, मिक्सर चालू होने वाला है। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, देखो बाकी सारे सब्जेक्ट में थोड़े कम कम मार्क्स थे लेकिन मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे खासे मार्क्स थे। अरे बाप रे। चलो आ गई मेरी स्कूल। हाँ देखो मैथ्स का अगर है ना लास्ट का आंसर रॉन्ग भी रहा तो भी चलता है, ऐसे कोई ये नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखना वाला क्या पूरे? ठीक है पापा। 4-5 स्टेप उसके आने ही चाहिए हर एक क्वेश्चन के हर एक सॉल्यूशन में, ठीक है? ठीक है। आंसर राइट और रॉन्ग उससे कोई नहीं, कम से कम स्टेप के मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है चलेगा। ठीक चलो। तो पापा मुझे ड्रॉप करके हमारे पुराने घर चले गए कृष्णा से मिलने।
मैं तेरे घर पे आया ना, ये तेरा क्या है? हॉस्टल। ये हॉस्टल है तेरा? हाँ। जा फिर पानी पिलाओ जा। पापा ने कृष्णा को पैसे दिए आइसक्रीम लाने के लिए और उसने वो गिरा दिए। जा आइसक्रीम लेके आ। हाँ। तीन आइसक्रीम लेके आना, एक तेरे लिए और दो मेरे लिए। नहीं आपको इसको हमें दो। अच्छा चल ठीक है। सोनू भैया कुछ खाते पैसे दे दिए आपने? हाँ अभी पैसे दिया था मैं उसको। वो गली में ढूंढते फिर रहा, पैसे गिराए शायद उसने, अभी वापस आया ना सर पे। देखो क्या हो गया था? पैसे गिर गए थे, मैं उठा के लाया। कहाँ गिर गए थे पैसे? वो वहाँ पे हमारे गेट के ऊपर से देखते अपन वहाँ पे। कैसे क्या गिर गए थे पैसे तेरे हाथ से? आपने घड़ी करके ही नहीं दी। अच्छा मैंने ही उसको फोल्ड करके नहीं दिया। अरे पापा आप नीचे नहीं रखना, चाटना। इसको चाटने का रहता क्या? ऐसे? हाँ। ऐसे? हाँ। अच्छा और तेरा वाला? ये इधर है। हाँ लो। यही सही तरीका आइसक्रीम खाने का। अरे ये कप भी चाटने का रहता। ये भी चाटने का रहता? चलो। कैसा गया पेपर? आज का एकदम ठीक था, अच्छा गया। मैथ्स का पेपर था तो लिखा ना, अच्छे से लिखा ना? हाँ साहब एकदम अच्छे से लिखा, जैसे आपने कहा था ना कि सारे पॉइंट एकदम क्लियर लिखने, वो लिख दिए। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे मोबाइल शॉप पे, क्योंकि है ना दादाजी का जो मोबाइल है ना वो खराब हो गया है, तो दादाजी को है ना अभी हम न्यू फोन लेके देंगे। ये वाला अच्छा लग रहा है। हमारे जो बड़े यादव जी है वो ऑलमोस्ट 80 इयर्स के हैं और उनका स्वैग तो देखो। दूसरा देखो, ऐसे देखो। ये कब लिया था पापा हमने? हो गया एक साल। चलो फाइनली बाबा के लिए हमने है ना उनका है ना नया फोन ले लिया। बाबा कैसा लगा आपको फोन? एकदम बढ़िया। अच्छा है ना? तो अभी हम दांतों के हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर को बोलेंगे कि सबसे पहला नंबर है ना मेरा ही लिखो, क्योंकि है ना कल भी एग्जाम है और घर जाके मुझे पढ़ना भी है। आ गए हॉस्पिटल। यहाँ आने के बाद मैं ना मुझे बहुत डर लगता है, अभी पता नहीं मेरे दांत कितने टाइट करेंगे और कल एग्जाम भी है, और सबसे पहला नंबर मेरा ही था। और मैंने टेबल पे क्या देखा, वहाँ पे बहुत सारे दांतों के हथियार पड़े हुए थे जिससे मेरा अभी दांतों का ऑपरेशन होने वाला था, और मुझे बहुत डर लग रहा था भाई साहब। 2000 years later हो गया मेरा हॉस्पिटल का काम भी, और इस बार तो इतने भयंकर लेवल के टाइट कर दिए मेरे दांत, मुझे ना ठीक से बात भी करना नहीं आ रहा है इतने टाइट कर दिए, क्योंकि ये जो मेरे गैप है ना दांतों में ये भर जाएगा अभी, इसीलिए इतने टाइट किए मेरे दांत। गन्ने का जूस पीने का? हाँ पीने का है। कितने पीने के? एक। एक से क्या होगा, फिर दो पियेंगे। हाँ फिर ऐसा दो तीन एक साथ पी लेने का। मजा आएगा ना पीने के लिए। हाँ लो। करो पापा शुरू हो गए। पी भी लिया? वाह। तो ले लो। हो गया। और एक लेने का क्या? नहीं। और एक पी लेंगे। हाँ। अभी अगली बार आना तो तीन ग्लास पीना कम से कम। फ्रेश फ्रेश रस पीने का मजा ही कुछ और होता है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई मैं घर पे। भाई चल देख तेरी नानी आ गई। आ गई नानी?
नानी सो रही है अभी तो, बाद में मिलूंगी मैं नानी से। मम्मी नानी का भाई 12 बजे अच्छा आज मैथ का पेपर भी अच्छा गया और नानी भी वापस आ गई। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और फिर से आपके चेहरे पे स्माइल लाएंगे। सो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मेरा और चिकू बेबी का बर्थडे भी आ रहा है 30 मार्च को और उस दिन मेरी एग्जाम भी रहेगी। अब पता नहीं मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा होता है।